गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग को अम्ल क्षार लवण चैप्टर में मूल थ्योरी आपको बताया गया था और आप लोगों को यह बोला गया था कि आप लोग में जो भी किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है, जो मन में क्वेश्चन आता है, जो कुछ जानने का कोशिश करना चाहते हैं, तो आप अपने मन की बात को रखें, क्वेश्चन को भेजें। मैं आपका प्रश्नों को जवाब देने के लिए बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिले। आप में से बहुत क्वेश्चन आया है, मैं एक एक क्वेश्चन को समझाता हूं, उसके उत्तर को बताता हूं और फिर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉस्टिक आप लोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। कॉस्टिक 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 सोडा क्या है? क्वेश्चन विद्यार्थी, कॉस्टिक सोडा क्या है? तो देखिए विद्यार्थी, आपने पढ़ा है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, CO3, नहीं इंटू 10H2O। और आपने पढ़ा है विद्यार्थी बेकिंग सोडा NaSCO3, ये था सोडियम कार्बोनेट, डेका है हाइड्रेट बताए थे, तो हम लोग उसको बात मत नहीं करते बल्कि इतना करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट आई सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इसका नाम हो गया धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, इसका कई एक नाम पुकारा था। लेकिन यहाँ कॉस्टिक सोडा अजीब है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी नाम आपके सामने लाते हैं, आप जान जाइएगा। चलिए मैं अनुसूत्र लिख रहा हूं, NaOH, नाम सुना है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम है कॉस्टिक सोडा। तो कहता है कॉस्टिक सोडा क्या है, तो आपका जवाब आप पढ़ाया है कि कास्टिक सोडा क्षारक कहिए या क्षार कहिए, क्योंकि ये जल में विलेय है तो क्षारक भी कहेंगे क्षार भी कहेंगे। अभी क्षार कह देते हैं तो दोनों को बोध हो जाता है, क्षारक को भी और क्षार को भी, क्योंकि आप लोग को बताया गया विद्यार्थी कि सभी क्षार क्षारक होता है लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होता। तो इसका जवाब में क्या हुआ कि कास्टिक सोडा के बारे में हम लोग को जानना, तो कास्टिक सोडा क्षार पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? क्षार पदार्थ है जिसका रासायनिक अणु सूत्र NaOH होता है, इसे रासायनिक भाषा में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। यही जवाब हुआ, सुन लिया? जवाब में क्या लिखिएगा? कॉस्टिक सोडा क्षार पदार्थ है जिसका
रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ऑक्साइड NaOH होता है। तो ठीक है विद्यार्थी, कास्टिक सोडा क्षार पदार्थ है जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH होता है। तो आपके जवाब मिल चुका है, सुन लिए। और आगे का जो क्वेश्चन है आप लोग के द्वारा पूछा गया है वो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट घट्य क्या है? विद्यार्थी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अपघट्य मतलब था टूटना, वियोजन, इसको आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया था, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। आपको एक छोटा सा बात मैं याद दिलाता हूं, अपघटन अभिक्रिया अपघट कहलाता है, वियोजन कहलाता है। और आपको केमिकल रिएक्शन चैप्टर में बताया गया विद्यार्थी कि वियोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यदि ये टूटने का काम, वियोजन होने का काम, अपघटन होने का काम विद्युत धारा द्वारा होगा तो विद्युतीय अपघटन विद्युतीय वियोजन कहलाता है। ताप द्वारा होता है तो तापीय अपघटन कहलाता है। प्रकाश द्वारा होता है प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। आप याद कीजिए, दिखाया गया है। लेकिन यहां पर इसका क्या मतलब है ध्यान से सुनिएगा जवाब में, पहले ध्यान से जवाब सुनिएगा, मैं बहुत लंबा में समझाऊंगा, बहुत छोटा में लिखूंगा। आप लोग को बताया गया है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन है, तो क्या जितना यौगिक है सब में हाइड्रोजन रहेगा तो क्या सब अम्ल हो जाएगा? CH4 इसमें भी हाइड्रोजन है, C6 H12 O6 इसमें भी हाइड्रोजन है, HCl आप इसमें पढ़े हैं कि अम्ल है, तो क्या ये भी अम्ल है? ये भी अम्ल है नहीं विद्यार्थी जी? अम्ल की कुछ अपनी पहचान है, आप लोग को रूल नियम बताया गया है। तो जितने यौगिक हैं उन सभी यौगिकों में हाइड्रोजन रह जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो अम्ल है। चार पैर वाला जानवर ही नहीं होता बल्कि चार पैर वाला चरपाई भी होता। तो ये नहीं कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन है वो अम्ल है, जिस यौगिक में हाइड्रोजन है तो वो अम्ल है, मैंने आपके सामने बताया। तो आपने इस चैप्टर में बात किए हैं अम्ल का और क्षार का, अभी क्षार के बारे में लिखा, तो वहां पर जब अम्ल बताए थे तो ये बात लिखाए थे कि अम्ल रहेगा जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, सही बात है, और क्षार रहेगा जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड रहेगा, ये सही बात है। मैंने सभी यौगिक के बारे में नहीं बोला था। तो विद्यार्थी जब इन दोनों को, अम्ल और क्षार को, जल में डाला जाता है तो आपने सुना है कि जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है। आप देखिए क्षार के रासायनिक गुण में, अम्ल के रासायनिक गुण में आपको ये पर ये गुण दिया गया है कि अम्ल और क्षार जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है। ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और ये हाइड्रा ऑक्साइड आयन -, आयनों में टूट जाता। भाई टूटने को ही तो वियोजन कहते हैं, टूटने को क्या कहते हैं? वियोजन। और यह वियोजन
जल के साथ होगा, किंतु धारा प्रवाहित करेंगे तब होगा। इसको जांच करने के लिए एक प्रायोगिक को समझा रहे हैं। एक बर्तन को ले, उस बर्तन में अम्ल ले ले अलग से, छार ले ले अलग से, उस बर्तन में ले लेना है अलग से, और कुछ वैसे यौगिक को ले ले जिसमें हाइड्रोजन है। मैंने अभी जो बोला ग्लूकोज को ले लीजिए, चीनी को ले लीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन है। पहले आप उस बर्तन में, जो बर्तन को देखिए ध्यान से, बल्ब है, ऑन ऑफ कुंजी है, ठीक है विद्यार्थी, एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा इसको, बैटरी को ऐसे दर्शाते हैं परिपथ में, एक दिन प्लस एक दिन माइनस, देख रहा है विद्यार्थी। इसमें पहले हम अम्ल को डाल रहे हैं, अम्ल को, ठीक है, अम्ल को डाला, करंट को ऑन किया, बल्ब जल गया, समझे बात को। इसमें जल भी डाला हुआ है, इसमें जल भी है, और जल में क्या डाल रहे हैं, अम्ल, जल ऊपर से अम्ल, अम्ल में जल नहीं, समझ रहे हैं। इस पर भी एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, मैं क्वेश्चन के पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों कहा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाइए, अम्ल को जल में डालिए। देखो यहां पहले पानी दिए और बाद में अम्ल डाल रहे हैं, ना कि अम्ल में जल को डालिए, क्यों, ये भी क्वेश्चन है, बहुत मस्त चीज है, मैं बताता हूं उसका भी जवाब। तो विद्यार्थी पहले पानी लेंगे, अब पानी में थोड़ा सा अम्ल ऊपर से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा तनु तनु अम्ल, जैसे ही इसमें अम्ल जाता है, और चूंकि अम्ल जल में मिले होते, घुलने के बाद ये ऑटोमेटिक बल्ब जल जाती है। इसका मतलब है कि जल में घुलकर आयनों में टूट गया, और आयनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्यार्थी जब आयन में टूटा तभी आवेश का प्रवाह हुआ, क्योंकि दोनों चालक तार अलग अलग है, तो दोनों में आयनों का प्रवाह होगा तब तो करंट का सप्लाई होगा। तो विद्यार्थी जी अम्ल को डाला पानी पर, डिब्बा में पहले से बर्तन में था, उसमें अम्ल डाला गया, ऑन किया गया, बल्ब जल गया। अब अम्ल के जगह पर छार डालते हैं, छार डालते हैं, छार भी जल में विलय होता, यह भी कुछ समय के बाद देखा गया कि बल्ब जल गया। अब छार को हटा करके बर्तन बदलना पड़ता, छार को हटा करके वही ग्लूकोज को आपने डाला, ग्लूकोज को C6H12O6, ग्लूकोज या चीनी किसी भी जिसमें हाइड्रोजन पर जब डाला गया तो ग्लूकोज भी चानी, चीनी भी, ग्लूकोज कहिए चीनी कहिए, यह सभी जल में क्या होता है, विलय। लेकिन जल में विलय तो है, लेकिन यह बल्ब जला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जल में घुला लेकिन आयनों में टूटा नहीं, और अम्ल को डाले तो आयनों में टूट गया, छार को डाले तो आयनों में टूट गया। इसका मतलब यह विद्युत अपघटन की क्रिया है,
कौन सी क्रिया विद्यार्थी जी? विद्युत अपघटन की क्रिया है। अब इसको लिखेंगे स्पष्ट रूप से, ध्यान से देखिए जवाब आपका क्या, विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन क्या है। तो जब जल में अम्ल या क्षार अलग अलग से डाला जाता है तब जल में घुलकर आयनों में टूट जाती है, टूटने के इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब इसके लिए यदि दीर्घ उत्तरीय में लिखना रहेगा विद्यार्थी, आपका क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय टाइप पर है, मैंने इसका जवाब लघु उत्तरीय में लिखते हैं। यदि दीर्घ उत्तरीय में लिखिएगा, इसी को कहते हैं विद्युत अपघटन को वर्णन करें, तो आप उसी प्रयोग को एकदम लिखिएगा, जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे। क्षार को लें, अम्ल को लें, किसी अन्य यौगिक को लें जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति है। तो आइए जवाब में लिखते हैं विद्युत अपघटन क्या है। जब अम्ल को जल में डाल कर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब आयनों आयनों में टूट जाता है। जब अम्ल को जल में डालकर धारा प्रवाहित किया जाता है तब आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसका विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तथा जब क्षार को जल में डाला जाता है तब यह भी अम्ल की भांति यानी अम्ल की भांति आयनों में टूट जाता है। टूटने के इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्यार्थी जी, अपघटन शब्द का अर्थ होता है टूटना, वियोजन होना, है ने? यह अम्ल और क्षार से रिलेटेड है। आप यदि अपघटन के बारे में कहीं भी बात आएगा, विद्युत अपघटन हुआ इसका मतलब विद्युत धारा द्वारा टूट रहा, उष्मीय अपघटन होगा तो उष्मा द्वारा होगा, प्रकाशीय अपघटन होगा प्रकाश द्वारा होगा, रासायनिक अपघटन होगा रासायनिक पदार्थ के द्वारा होगा। इसलिए अपघटन शब्द का अर्थ होता है वियोजन होना, टूटना। फॉलो किए बात को, तो आपके दो प्रश्नों का जवाब मिल गया। आप इसको एक बार से देख लें, जिन बच्चों को भी क्वेश्चन हो, खैर क्वेश्चन एक पूछता है लेकिन लाभ सभी को होता है, आप पढ़ें और बढ़ें। देखिए बिता रहे हैं, अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड भी है ना। इसके बाद हम लोग वहां एक और क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। देखिए बिता रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन विद्यार्थी जी, वो क्वेश्चन क्या है कि यदि हम तांबे या पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। सुन रहा है विद्यार्थी, ध्यान दे रहा है, सुन रहा है ना? हाँ, तो देखिए क्यों नहीं रखना चाहिए इसके बारे में बताता हूं। पहले क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि पीतल या
तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे तरीका से क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विद्यार्थी, ये तांबे का बर्तन हो या पीतल का बर्तन हो, सोना चांदी का बर्तन हो, कोई भी बर्तन हो, मेटल का बर्तन हो, यदि मेटल वाले बर्तनों में कोई भी खट्टे पदार्थ रखा जाता है, आपने पढ़ा है मूल भाषा में, यहाँ पर जो चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपने पढ़े हैं कि जिस पदार्थ में खट्टा हो, खट्टा खाने वाले पदार्थ, उसमें एसिड होता है, अम्ल होता है। फॉलो किया बात को? नहीं, यहाँ चल रहे हैं जो चैप्टर है कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होगा वह अम्ल कहलाता है। रियल बात, आप लोग इस बारे में पढ़े हैं, गुण के बारे में पढ़े हैं, है ना? दही भी तो खट्टा है, तो आम तो खट्टा है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टा है, इन सभी पदार्थों में एसिड पाया जाता है। और भी आपने एक गुण पढ़ा है जो फॉलो कीजिएगा बात को, ये फिजिकल प्रॉपर्टी था एसिड का, भौतिक गुण था अम्ल का, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी भी आपने एक पढ़ा है अम्ल का, एसिड का, वो क्या है सो सुनिएगा। जब धातु को अम्ल में डाला जाता, फॉलो कर रहा था, जब धातु को अम्ल में डाला जाता है, जब धातु को अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या आपने इस बात को पढ़ा है या नहीं? पढ़े होंगे। लवण बनाता है, देखिए वहां पर उदाहरण दिए होंगे, सपोज दैट ये धातु है और ये अम्ल है, ये प्रचलित उदाहरण है, अधिकांशतः लोग यही देते हैं, है ना? NaCl प्लस H, ये देख रहा है, ये धातु है, बहुत प्रचलित है, ये अम्ल है और ये लवण है और ये गैस है, हाइड्रोजन गैस। यहीं से क्वेश्चन है, समझ रहे बात? यहीं से क्वेश्चन है, पीतल या तांबे के जो बर्तन है विद्यार्थी जी, वो मेटल है, वो धातु है, पीतल तांबे ये जो है वो धातु मेटल है, पीतल मिश्र धातु है और ये धातु है, ठीक है, और ये खट्टे पदार्थ अम्ल है, ये खट्टे पदार्थ अम्ल है, और जब इसको डालेंगे तो ये बर्तन और वो खट्टे खाद्य पदार्थ, खाने वाले जो वस्तु है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जिससे सबसे पहले स्वाद बदल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा, स्वाद बदल जाएगा, सुगंध बदल जाएगा, खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ खराब हो जाएगा, अतः इससे बचाने के लिए ऐसे बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए। फॉलो कर गया बात को? इसलिए याद रहे, लोहा सोना चांदी में अचार को मत रखिएगा, हड़िया वाला बर्तन में रखिए, शीशा वाला बर्तन में रखिए। अब कहिएगा सर शीशा ये भी तो मेटल है, बहुत कम रिएक्शन, और ये शीशा आप बात कर रहे हैं तो ये और उसमें अंतर है, वो बहुत कम रिएक्शन है, बहुत स्लो रिएक्शन करता है, नहीं के बराबर। इसलिए हम लोग प्लास्टिक या शीशे वाले बर्तनों या हड़िया पतला का नाम सुना होगा, मिट्टी के बने बर्तनों में ऐसे खट्टे पदार्थ, घर में दही जमाया जाता है तो हड़िया वाले बर्तनों में, क्योंकि दूध भी एसिड होता है, और जब दूध से दही बनता है तो पर भी अम्ल रहता है। इसलिए विद्यार्थी जी इस बात को याद रहे कि वो इस रिएक्शन को फॉलो करेगा, किस रिएक्शन के, कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण बनाता है, तो लवण बनने से वो खाद्य वस्तु जो होगा वो खराब हो जाएगा, स्वाद और सुगंध बदल जाएगा। तो आइए मैं इस बातों को यहां पर लिख डालते हैं, गौर से सुनिएगा, आंसर पीतल या तांबे धातु के बर्तन है,
बर्तन है जिसमें खट्टे पदार्थ को रखने पर खट्टे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। खट्टे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करता है जिससे हाइड्रोजन गैस गैस मुक्त होता है तथा लवण बनता है जिससे खाने वाला पदार्थ के स्वाद सुगंध बदल जाता है अर्थात खराब हो जाता है। इसको एक बार पढ़िए विद्यार्थी, कहीं सेंटेंस पीतल या तांबे धातु के बर्तन होते हैं, चाहे पीतल का बर्तन हो या तांबा का बर्तन हो, धातु का बर्तन कहलाता है, जिसमें खट्टे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यानी जो खट्टा पदार्थ हम रख रहे हैं वो अम्ल की तरह कार्य करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस यानी अम्ल की तरह, यानी धातु और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगा, व्यवहार कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और साथ ही साथ लवण बनता है। लवण बनने से जो खाने वाला पदार्थ है, लवण जब बनेगा हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हो रहा है और बन रहा है कौन चीज, लवण। जो आपको पहले वाला खाद्य वस्तु है उसमें लवण की मात्रा बढ़ते जा रहा है नहीं? जिससे खाद्य वस्तु यानी खाने वाला पदार्थ जो है विद्यार्थी, उसका स्वाद भी बदल जाएगा, सुगंध भी बदल जाएगा, जिसको आप कह सकते हो खराब हो गया। इसलिए खाने वाला वस्तु धातु में रखने पर वैसे वस्तु जो खट्टे हो वो खराब हो जाएगा। यही सब यदि हम अति लघु उत्तरीय में देंगे तो इतने आपको बोलना है कि तांबा, लोहा या पीतल ये धातु का बना बर्तन होता है, खट्टे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जिसको रखने से खराब हो जाता है। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और लवण बढ़ने लगेगा, लवण की मात्रा बढ़ने लगेगा, वो लवण बनने लगेगा, जो खाद्य वस्तु है वो लवण में रूपांतरण होने लगेगा, इसलिए उसका स्वाद भी बदल सकता है, सुगंध भी बदल सकता है, आपको कहने के अनुसार वो खराब हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने पहले बताया, देखिएगा मिटा दे विद्यार्थी। अगला जो क्वेश्चन विद्यार्थी है इसमें सावधानी रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते समय यह क्यों अनु अनु
संसित मतलब ध्यान में रखना है ने? करते हैं मतलब ध्यान ऐसा क्यों करते हैं? करते हैं कि अम्ल को जल में, बहुत लंबा क्वेश्चन है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में वाट। चलिए विद्यार्थी, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इसमें अम्ल है ना, मिलाया जा रहा है पानी, इसमें है विद्यार्थी जी पानी, मिलाया जा रहा है अम्ल, ये दोनों में एक सही है मिलाने का प्रक्रिया, मिलेगा तो जरूर कदुआ पर चाकू गिरे, भूर होगा कदुआ, या चाकू है कदुआ गिरे तो भूर तो फिर हुई होगा कदुआ, लेकिन यहां पर वैसा बात नहीं है, एक कदुआ और चाकू की बात यहां नहीं है, यह अजीब सा बात है। अम्ल नीचे है बर्तन में डाला जा रहा है पानी, तनुकृत मतलब होता क्या है? तनु आप लोग को सांद्र अम्ल बताया है, तनु अम्ल बताया है, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगा सांद्र कहलाएगा, और जिसमें अम्ल बहुत कम रहेगा वो तनु। तो अम्ल ने मिलाना है ना, यदि हम अम्ल को मिलाना है तो ये तो प्रक्रिया नहीं होगा, ये तो पानी मिल रहा है, कैसे सर जाएगा तो मिलेगा तो तुम्हें क्या होगा? अरे भैया नहीं, यह तनु करना है, यदि हम इसमें अम्ल डाले हुए हैं, मान लेते हैं 1 ml है, 2 ml है, 4 ml है, 10 ml है, 20 ml है, 100 ml है, 1 liter, 2 liter, जय हो, और यदि पानी डालेंगे तो ध्यान में रहे बेटा, ये काम कभी भूल के भी मत करना कि अम्ल है उसमें ऊपर से पानी डालना, ये हाल हो जाएगा जलती हुई आग में किरोसिन या पेट्रोल डालना, कि जलती हुई आग में जब किरोसिन डालते होंगे या पेट्रोल डालते होंगे तो वह तेजी से भर जाता है, वही बात यहां पर कि जब अम्ल रहेगा और उसको तनु करने के लिए, तनु करने का यह तरीका नहीं, समझ रहे? जैसे ही आप पानी को डालिए विद्यार्थी तो बहुत तेजी से आग उठे, जलस जल उठेगा और तेजी दूर भागेगा, वैसा करने पर यदि आप डाल रहे हैं तो हो सकता उसकी भड़क से आपका चेहरा धुलस सकता है, त्वचा धुलक सकता है, कपड़े में आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अम्ल में पानी को नहीं डालना, जबकि तनु करना तो पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल को थोड़ा थोड़ा गिराएंगे तब तनु अम्ल होगा, समझ रहे बात को? ये प्रक्रिया सही है, यही कह रहा था, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों ध्यान में रखना पड़ता है, क्यों अनुशासित मतलब ध्यान को संतुलन बनाए रखना है कि जब भी काम करेंगे तो अम्ल को जल में डालेंगे, न कि जल को अम्ल में डालेंगे, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जब अम्ल में पानी को डालते हैं तब अचानक उसमें तेजी से आग जल उठता है, ऐसा होने पर चेहरा त्वचा कपड़ा जल उठेगा, इससे बचने के लिए अम्ल को ही पानी में डालते तनु करना है, क्योंकि बिलियन में तनुकृत अम्ल की मात्रा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम रहेगा, चूंकि यहाँ पानी जब आएगा तो यहाँ अम्ल तो पूरा है ना, तो तनु थोड़ी हो रहा है, ये तो ऊपर से पानी आएगा तो तनु नहीं होगा, इस तो सीधे आग पकड़ ले, लेकिन पानी अधिक रहेगा अम्ल थोड़ा थोड़ा गिरेंगे, जिस प्रकार से हम लोग दवा, कोई डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप पानी में मिला के खाएं,
तो ये नहीं कि पूरा बोतल रहे दवाई के और उसमें पानी मिला दे, ये गलत तरीका है। न कि जिस समय आप पीने के लिए उपयोग करें दवा और पानी, तो दवा को इसमें डाल, अपनी आवश्यकता के अनुसार मात्रा को बनाइए पानी और दवा के साथ। और आपने दवाइये में पानी मिला दिया तो पूरे एक ही बार बन के तैयार हो गया, अब पीजिए 2 महीना तक वो तो खराब हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी इसमें यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि जब डालते हैं तो अम्ल की मात्रा ज्यादा रहता है, तनु क्या बनेगा, तो सांद्रोष क्या गया। तो विद्यार्थी जब इसमें अम्ल की मात्रा अधिक रहेगा तो पानी में जब डाला जाएगा तो तेजी से आग पकड़ लेता है, जिसके कारण झुके रहने पर या वो जो आस पास में रहने पर त्वचा, चमड़ा, कागज इत्यादि जो भी कपड़ा, कागज नहीं कपड़ा, चल सकता है। इस सावधानी के लिए ध्यान रहे। तो आइए मैं इस बात को यहाँ पर लिख डालता हूँ, समझने के बहुत अच्छा आप क्वेश्चन आपने किया। ये दैनिक जीवन में इस चीजों को बहुत महत्वपूर्ण है, आपने इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दैनिक जीवन से रिलेटेड था, और यहाँ पर भी आपने ये क्वेश्चन किया ये भी दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए है ना आंसर में लिखते हैं, देखिए विद्यार्थी आंसर लिखते हैं, जब अम्ल में पानी को डालते हैं तब तब तेजी से ऊपर उठता है जो चेहरा, कपड़ा, त्वचा को जला देता है तथा तनुकृत करने के लिए पानी में अम्ल को धीरे धीरे गिराया जाता है जब तक कोई प्रभाव नहीं होता, तब कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। देखिए विद्यार्थी जी, जब अम्ल में पानी यानी अम्ल में पानी को नहीं डालना है, नहीं तो वो तेजी से ऊपर उठेगा थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट की तरह, जैसे अचानक का से उसको हिलाते डुलाते हैं और जब खोलते हुए बहुत तेजी से निकलता, उसी प्रकार से नीचे रहेगा या ऊपर से पानी डालिएगा तो वो होगा क्या कि अम्ल जो होगा नीचे से ऊपर की ओर बहुत तेजी से उठेगा, उससे आपको चेहरे पर पड़ सकता है, कपड़ा पर पड़ सकता है, त्वचा पर कहीं पड़ सकता है, उससे झुलस सकता है, जल सकता है। इससे बचने के लिए पानी में ही अम्ल को धीरे धीरे डालें, समझ रहा, तब तनुकृत होगा। तो ये आपने समझा पढ़ा बहुत अच्छा है, दैनिक जीवन से रिलेटेड उत्तर, प्रश्न और उत्तर आप इसको पढ़ेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत रिलेटेड है इसी तरह के, जो गुण को समझिएगा तने इस प्रकार का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना। उसके गुण को याद रखना पड़ेगा हम लोग को, क्षार को, लवण इत्यादि जो भी गुण रह गया। क्वेश्चन है विद्यार्थी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, क्वेश्चन है शुष्क हाइड्रो कलो रिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस गैस शुष्क लिटमस पत्र को शुष्क लिटमस मस पत्र को शुष्क लिटमस पत्र को लिटमस पत्र के रंग कुछ लिखा, रंग को क्यों नहीं बदलता है, रंग को क्यों नहीं बदलता है। थोड़ा साफ लिखिए, देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता हमने लाता था। आप लोग को एक बात याद बताए थे, अनिल, अनिल शब्द का मतलब अ से अम्ल, नी से नीला, अल से लाल, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है विद्यार्थी लाल लिटमस पत्र को नीला कर। तो विद्यार्थी ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन आयन नहीं देता, जिसके कारण लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। आपका जवाब लिख रहा हूं, हाँ क्या बताया विद्यार्थी, तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसलिए अम्ल पर इसका कोई प्रभाव नहीं। आपको यही लिखना कि शुष्क हाइड्रो कलो रिक गैस में हाइड्रोजन आयन एक प्लस नहीं होता है, इस लिए यह अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है, जिसके कारण लिटमस पत्र पत्र पर कोई कोई प्रभाव नहीं होता है, होता। जवाब रहा विद्यार्थी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है,
और नहीं होने के कारण यह अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है। जब अम्लीय गुण ही नहीं होगा तब वह लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि लिटमस पत्र पर प्रभाव जो होता है वो अम्लीय गुण रासायनिक अम्ल का रासायनिक गुणों के कारण होता है। ये आज के वीडियो में आप लोग को और भी क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा, समय हो गया है, इसलिए विद्यार्थी आप लोग टोटल क्वेश्चन करते जाइए, मैं सारे क्वेश्चनों को एक एक करके के जवाब भेजते जाऊंगा, है ना। आप अपने क्वेश्चनों का इंतजार जरूर करें, अवश्य भेजूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चैनल को जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ विद्यार्थी आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है दैनिक जीवन से, किताबी रिलेटेड, अंग छाड़ लवण से, आप अपने क्वेश्चन को करें। एक दिन आप लिख के लिए और समय है ना। फिर मैं अगला दिन स्टार्ट करूंगा बायोलॉजी के जैव प्रकरण का चौथा अध्याय उत्सर्जन। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद। Thank you.